आपके लिए पहला सवाल होगा, इनमें से किस क्रिकेटर की मौत खेल के मैदान में खेलते हुए हुई थी? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए मंसूर अली खां पटौदी, बी लाला अमरनाथ, सी रमन लांबाया, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रमन लांबा है, वो क्रिकेटर जिनकी मौत खेलते हुए हुई थी। रमन लांबा की मौत सिर में गेंद लगने से हो गई थी। एक मैच के दौरान जब वे ढाका में फील्डिंग कर रहे थे तो गेंद उनके सिर में लग गई और उनकी मौत हो गई। अब आपके लिए सवाल होगा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुआ? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी यशपाल शर्माया, डी संदीप पाटिल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा कभी भी अपने करियर में जीरो पर आउट नहीं हुए। आपके लिए सवाल होगा, भारत में मुगल शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए महमूद गजनवी को, बी मोहम्मद गौरी को, सी इल्तुतमिश को या डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी को भारत में मुगल शासन का संस्थापक माना जाता है। आपके लिए सवाल होगा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया था? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए अमेरिका ने, बी चीन ने, सी रूस ने या डी जापान ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस ने अंतरिक्ष में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह की प्रक्षेपित किया था। आपके लिए सवाल होगा, बिच्छू पर क्या डाल देने से वह तुरंत मर जाता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए पेट्रोल, बी कोल्ड ड्रिंक, सी शराब या डी फिटकरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शराब। अगर बिच्छू पर शराब की थोड़ी भी मात्रा गिर जाए तो ये तुरंत पागल होकर खुद को काट लेता है और मर जाता है। आपके लिए सवाल होगा, सांपों को कितने दिन पहले भूकंप आने का पता चल जाता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए एक दिन पहले, बी दो दिन पहले, सी चार दिन पहले या डी पांच दिन पहले। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पांच दिन पहले से ही सांपों को भूकंप का पता चल जाता है। आपके लिए सवाल होगा, दुनिया के कितने देशों में फेसबुक बैन है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए आठ देशों में, बी दस देशों में, सी बारह देशों में या डी चौदह देशों में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दस देशों में फेसबुक बैन। आपके लिए सवाल होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए चार, बी पांच, सी छह या डी सात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पांच महासागर हैं पृथ्वी पर। आपके लिए सवाल होगा, किस पौधे का पत्ता चबाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए तुलसी का, बी पुदीना का, सी ब्राह्मी का या डी पालक का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी का। ब्राह्मी का पत्ता चबाने से दिमाग तेज होता है, साथ ही ये पत्ता शरीर में खुशियों वाले हार्मोन्स भी बढ़ाता है जिससे इसे चबाने वाला प्रसन्नचित रहता है। आपके लिए सवाल होगा, इनमें से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए
गुलामगिरी, बी विंग्स ऑफ फायर, सी भारत एक हो जा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।